हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये हमारा क्या है कि दोस्त का जो गेस्ट हाउस होटल थी यहाँ रुक गए हैं और यहाँ से हम फ्री हो गए सुबह मॉर्निंग टाइम पे। अब हम जा रहे हैं जैसलमेर। देखो जैसलमेर में तनोट माता के जाते हैं पहले, फिर रामदेव जी के जाते हैं। वहीं हमारी गड्डी दा जैसलमेर के लिए रेडी हैं। और थे जैसलमेर जाते वक्त हमारे धर्मराज जी सर पहले यहाँ रह कर गए 8 साल, यहाँ पर जो रह कर गए थे डेचू में, तो डेचू में रहते हुए उनके क्या कि पूरी क्या कि दोस्त की मंडली है। हम क्या कि जोधपुर से जैसलमेर के रास्ते में एक गाँव आता है, डेचू गांव आता है, तो हमारे ये जो सर है धर्मराज सर आप जानते हो, ये यहाँ पर पढ़ा कर गए थे, इनके सहपाठी सारे ये। और ये हमारे मुकेश जी सर है जो हमारे क्या कि गुमान जी सर के अच्छे मित्र हैं, पहले गुमान जी सर ये साथ पढ़े हुए हैं। और ये क्या कि मान सिंह जी सर है, और ये हमारे क्या कि हरिमन जी सर है, ये हमारे शिवराज जी सर है बूंदी के सर, और ये सारे सरों से मिला, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने यहाँ का एक्सपीरियंस बताया नौकरी का कि कैसे कैसे नौकरी की जाती है, कैसे क्या है। और वापिस आते वक्त में इनके पास रुक के जाएंगे, सर से मिलके मिलेंगे। अभी प्रेजेंट टाइम पे पोखरण झील आई थी हमारे पोखरण में, मेन शहर से पहले एक 5-6 किलोमीटर पहले एक जो कि पोखरण झील है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आइस की तरह जो होता है, जो स्नोफॉल वगैरह होती है हिमाचल के अंदर, उस टाइप सा बिल्कुल ये वाइट वाइट कलर का है जो ये है। ये क्या कि खारे पानी की झील है। और ये नाच मारी फूल जड़ी डीजे को भैंस बड़ावली। उस गांव के बिल्कुल समीप है जहां पे भारत ने परमाणु परीक्षण किए हुए हैं। यहां पे दो बार यहां पे परमाणु परीक्षण किए गए हैं, जिसमें पहले वाले का कोड नंबर था कि बुद्ध मुस्कुराया, और जब सेकंड अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हुआ था उसका नाम था बुद्ध फिर मुस्कुराया। तो इस तरह से भारत ने गुपचुप तरीके से यहाँ पे परमाणु लाके और परीक्षण किया, अमेरिका तक को खबर नहीं हुई। आज हम उस खेतोलाई गांव के बिल्कुल समीप है और आप लोगों को यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि यहाँ से खेतोलाई यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है जहाँ पे वो परमाणु विस्फोट के लिए बहुत बड़ा गहरा कुआं खोदा गया था। तो हम आगे की तरफ हम जाएंगे अब जैसलमेर, और जैसलमेर जाते वक्त हम लोग खजूरों के बाग, वन्य जीव अभ्यारण्य, फॉसिल फ्यूल पार्क और बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं दोस्तों। और ये मेरे मित्र जो हैं, आप देख रहे होंगे, अभी आपको बताएंगे सर, बताएंगे कि ये क्या है, कौन सी फसल है, इनके बारे में ये आपको कर देंगे। हाईवे पे जिसका पुराना नाम NH-15 था, लेकिन अब इसका जो नया नाम है NH-11 कर दिया गया है। जैसलमेर जाते वक्त जो रेलवे क्रॉसिंग की पुलिया है उस पर हम लोग खड़े हैं। ये पूरा डेजर्ट जो आपको दिख रहा है, ये आप डेजर्ट सैंड ड्यून्स जो रेत के टीले हैं अर्धचंद्राकार और बरखान टाइप के, ये आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे जो खेती हो रही है, यहाँ पे राईडा की फसलें वहाँ पे है, यहाँ पे इसबगोल घोड़ा जीरा की फसलें आप लोग देख पा रहे हैं। घोड़ा जीरा यहाँ पर क्या है कि जो डेजर्ट वाला एरिया होता है इसमें यही फसल उगाई जाती है, पानी की कमी होने की वजह से। और यहाँ पे क्या है कि पाला रहित ये जो कृषि होती है, पाला रहित कृषि। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दूर दूर आंकड़े के जो पौधे दिख रहे हैं, और हमें बीच बीच में सांगरिया जिनको खेजड़ी, जो कि हमें राजस्थान का जो वृक्ष भी है, राज्य वृक्ष जिसे हम लोग बोलते हैं, वो भी आप लोगों को दिख रहा है। यहाँ पे जैसलमेर में जो है पत्थर पीले रंग का है, यहाँ पे सारी बिल्डिंग है वो आपको जो पत्थर दिखेंगे वो पीले रंग के दिख जाएंगे। यहाँ से एक आप बीकानेर टू जैसलमेर,
बहुत शानदार गाड़ी है। और जैसलमेर टू जो बीकानेर जो ट्रेन आती है, ये ट्रेन यहाँ से जा रही है और इसमें डेजर्ट में आप देख रहे होंगे कि एक एक पाँच पाँच किलोमीटर तक कोई मकान नहीं है। और यहाँ जो पानी की कमी होने के से आपने सुना पूरा यहाँ पर क्या एक्सप्लेन कर ही दिया है, या आप देखो पूरी तरह से जो यहाँ पे कृषि की जाती है वो मुख्यतः फव्वारा सिंचाई पद्धति से कृषि की जाती है। बाकी की जो जानकारी है हमारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर साहब सोनपाल जी। क्या हमारे सोनपाल जी सर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ऑफिसर है ये। हाँ सर, कुछ आप इनके बारे में जानकारी दो कि ये जो ये सब गोल यहाँ पर क्यों उगाई जाती है, क्या कारण है सर? राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष 2022 में जो बजट पेश किया गया, अलग से इसमें कृषि बजट को पेश किया गया और पहले जो अनुदान मिलता था वो 13,000 के समथिंग मिलता था, लेकिन अब जो मिलता है 18,000 के ऊपर अनुदान मिलता है फव्वारा के अंदर। और अगर लघु सीमांत का हम बनवा लेते हैं, लघु सीमांत में यानी 2 हेक्टर से नीचे जिसकी ज़मीन है तो उसको और ज़्यादा अनुदान प्राप्त होता है। और ये रेतीली भूमि होने के कारण इधर जो वाटर लेवल गहरा है तो इधर फव्वारा सिंचाई पद्धति ही मुख्य रूप से यूज की जाती है, उपयुक्त की जाती है। ओके सर। खजूर फार्म है ना? रोक देने सर, वहाँ पर रोका नहीं आपने तो। खजूर फार्म क्या है? खजूर का बाग है यहाँ पर, क्या की डेट्स मिलती है आपको बताया कि जहाँ पर इनकी मात्रा ज्यादा उपलब्ध होती है वहाँ पर अपने को क्या है कि प्योरिटी एंड बिल्कुल शुद्ध मिलता है। अपन स्वयं माधोपुर जाते हैं तो वहाँ पर क्या कि अमरूद मिलता है, पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो पहाड़ी एरिया में जहाँ जहाँ अपन जाते हैं। अब यहाँ पर जो डेजर्ट के अंदर ये क्या कि खजूर है, डेट्स के पौधे लगे हुए हैं और यहाँ पूछते थे कि इनसे रेट की क्या क्या है, क्या कि डेट्स मिलते हैं यहाँ, ओरिजिनल डेट्स हैं यहाँ से निकाली हुई है। यहाँ पर मार्केट की डेट्स अलग होती है, ये बिल्कुल प्योर है, ये आप देख सकते हो, कोई भी गुड़ मिक्स नहीं, मिलावट नहीं है, ये प्योर यहाँ की डेट्स हैं और इनके अलग 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 प्रकार से यहाँ रेट हैं। और ये अपने तन्नोट माता जो अपन जाते हैं रास्ते के अंदर वहीं आता है ये स्थान, इसके बीच में रास्ते के अंदर ये दो क्या बाग आते हैं यहाँ पर, क्या क्या के खजूर के फार्म आते हैं। खजूर के वृक्ष के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि क्या है, कौन से गांव में है, कैसे क्या? हाँ सर, आप कुछ बताइए इसके बारे में। ये चांदन भोज का फार्म है, डेट्स फार्म है, डेट्स फार्म है, सात वेरायटी होती है, सात वेरायटी होती है सर जी। और सर ये पूरे इंडिया में एक ही फोरम है यहाँ पर? इंडिया में नहीं, ये राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा फोरम है। और ये इसमें सर ये कितने पेड़ लगे हुए, कितना वृक्ष है? 100,000 पेड़ लगे हुए हैं, 600 एकड़ में है, 600 एकड़ में फैला हुआ है, 100,000 पेड़ यहाँ पर, क्या 100,000 पेड़ लगे, बहुत बड़ा यहाँ पर यह फोरम है। तो आप कभी भी आओ तो यहाँ पर ये एड्रेस भी लिखा हुआ है तो आप जरूर यहाँ से क्या कि लेकर जाए। डेजर्ट मैं क्या के सदर रूप में ऊपर जाकर आपको पूरा डेजर्ट का एरिया बता रहा हूँ। स्वर्णनगरी में हमारा स्वागत कर रहे हैं हम, क्या स्वर्णनगरी पधार गए हैं, जैसलमेर में हमारी एंट्री हो गई है, बहुत जल्दी हम फार्म म्यूजियम देखने वाले हैं।